तो गाइस देखो आज की वीडियो में हम लोग फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करने वाले हैं। मतलब कि आज आप लोग के फ्री फायर मैक्स में अपडेट आने वाला था लेकिन यार आप लोगों को देखने को नहीं मिला, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो क्या ऐसा होने के कारण हमारा फ्री फायर गेम वापस से रिटर्न में देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यार इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली कि भाई अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लो। यार मैं ये जो अपडेट आप लोग को देने वाला हूं ना, यूट्यूब पे किसी ने भी आप लोग को इसके बारे में नहीं बताया। मतलब यार कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो पर वो भी आप लोग को इसके बारे में नहीं बताएगा, तो इसलिए यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे यार मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो देखो भाई मैंने आप लोग की OB33 अपडेट की सारी डिटेल्स के साथ वीडियो भी डाली थी लेकिन आप लोग को अपडेट आने के बाद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब यार आप लोग को छोटा सा 40 MB का अपडेट देखने को मिला था जो कि भाई आप लोगों ने कर लिया होगा। प्ले स्टोर पर भी आप लोग को एक छोटा सा 150-200 MB का अपडेट देखने को मिला होगा, वो भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। लेकिन सवाल यह है कि भाई अपडेट करने के बाद भी आप लोग को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जो मैंने आप लोग को OB33 अपडेट के लिए बताया था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इंडिया में फ्री फायर मैक्स दोनों को ही अपडेट नहीं किया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बाहर के सर्वर पर अपडेट आ चुका है जिसमें यार आप लोगों को वो सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो कि मैंने आप लोगों को OB33 अपडेट के लिए बताई थी। जैसे कि यार हमें नॉर्मली न्यू पैच अपडेट देखने को मिलता है तब आप लोगों को ऐसी सारी चीजें दिखाई जाती है। क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे डाला गया, G36 गन भी यहाँ पे डाली गई, न्यू कैरेक्टर को भी डाला गया, कैरेक्टर्स में जो चेंजेस हुए वो भी यहाँ पे डाले गए। मतलब कि हमारे न्यू पैच अपडेट को लेकर जो भी हमारे सामने लीक्स निकल कर आई थी और मैंने आप लोगों को बताई थी सारी की सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हमारे ग्रेनेड फ्री फायर इल्यूमिनाटी के नाम को भी चेंज कर दिया गया है। जबकि यार हमारे इंडिया में तो फ्री फायर में नए नए ग्लिच देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई मेरा जो गुलाब वाला इमोट था उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलने वाला था। तो यार यहाँ पे गुलाब वाले इमोट में से भाई गुलाब तो गायब हो गया है, इमोट बच चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया अपने गुलाब वाले इमोट को चलाकर तो ट्राई करना। एंड गाइस जो हमारी डायमंड रॉयल वेपन रॉयल की डेट थी वो भी यार मतलब बढ़ा दी गई है। मतलब कि यार हमारा डायमंड रॉयल और वेपन रॉयल एक दिन बाद आने वाला था लेकिन यार उसे बढ़ाकर 13 दिन कर दिया गया। दोनों ही आप लोगों को डायमंड रॉयल वेपन रॉयल 13 दिन बाद देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई इससे काफी सारे मतलब निकल रहे हैं, या तो भाई आप लोगों को फ्री फायर प्ले स्टोर पे देखने को मिल सकता है रिटर्न में, या फिर गाइस हो सकता है कि भाई आप लोगों को 13 दिन बाद यानी कि भाई जब हमारा डायमंड रॉयल और वेपन रॉयल आने वाला होगा तब आप लोगों को रियल वाला अपडेट देखने को मिले। बट गाइस यहाँ पे भी हमारे सामने एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई हमारे इंडिया सर्वर पर तो BTS इवेंट कैलेंडर आ चुका है, तो इससे साफ साफ पता तो चल रहा है कि भाई फ्री फायर बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, आप लोग के जो इवेंट्स है रेगुलर चलने वाले हैं। लेकिन यार एक बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही, जो हमारे BTS कॉस्ट्यूम है, मतलब कि यार BTS के जो भी आप लोग के 7 बंडल्स है और भी काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स आप लोग को BTS इवेंट कैलेंडर में मिलने वाले हैं। तो क्या ग्रेना वालों ने 40 MB के छोटे से अपडेट में उन सारे कलेक्शन को डाउनलोड करवा दिया है ताकि भाई जब भी हमें वो रिवार्ड्स देखने को मिले तो हम लोगों को वो आसानी से दिखाई दे, वो भी बिना डाउनलोड किए हुए। इसलिए यार बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और यार दूसरी बात यह है कि मुझे शायद से पहले से ही पता था कि भाई आप लोग के फ्री फायर गेम को अपडेट नहीं किया जाएगा लेकिन यार मैं इसके लिए श्योर नहीं था। लेकिन यार अभी आप लोग ये सोच रहे हैं आखिर मुझे कैसे पता चला, तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई हमारे फ्री फायर के जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं, मतलब कि यार हर एक सर्वर का अलग ऑफिशियल चैनल होता है, तो हमारे अदर सर्वर के फ्री फायर ऑफिशियल चैनल्स पर रेगुलर OB33 की अपडेट की वीडियोस डाली जा रही थी लेकिन यार हमारे इंडियन सर्वर का चैनल ही ऐसा था, मतलब कि यार हमारा इंडियन ऑफिशियल फ्री फायर का चैनल ही ऐसा था जिसमें यार OB33 से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियोस देखने को नहीं मिल रही थी। मतलब कि यार ना ही तो आप लोगों को बताया जा रहा था कि भाई OB33 के बाद हमें गेम में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यार इससे मुझे पहले से काफी ज्यादा डाउट हो गया था कि शायद से हमारे इंडिया में फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों की कोई अपडेट नहीं किया जाए। तो देखो गाइस इन शॉर्ट में बात करो तो हो सकता है कि भाई हमारा फ्री फायर गेम वापस से प्ले स्टोर पर रिटर्न में देखने को मिल जाए, या फिर गाइस ये भी हो सकता है कि भाई जो आप लोगों के डायमंड रॉयल और वेपन रॉयल की डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है, मतलब कि यार 13 दिन बाद आप लोग हमारा ऑफिशियल अपडेट OB33 का देखने को मिल सकता है। और यार देखो यार ऐसी कुछ बातें होती है जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाता हूँ, मतलब कि यार मेरे को स्ट्राइक वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें खुलकर नहीं बताता हूँ। जबकि मुझे ऐसी काफी सारी बातों के बारे में पता होता है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता पाता हूँ। जैसे कि भाई आप लोग की रेड एंजेलिक पेंट का इवेंट आया था वो भी मैं अपने चैनल पे नहीं डाला था, तो इसका एक ही सलूशन है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो भाई वहां पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं जरूर से रिप्लाई वहां पे देता हूँ। और तो और कुछ बातें आप लोग को वहाँ पे ऐसी नहीं देखने को मिल जाती है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता पाता, तो इसलिए जल्दी से जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि भाई जो भी कोई न्यू अपडेट मेरे को मिलती है वहाँ पे मैं आप लोग को खुल के बता सकूं। एंड आप लोग के फ्री फायर गेम के अपडेट को लेकर कोई भी न्यूज मेरे को मिलती है तो भाई मैं आप लोग को आने वाली वीडियो में जरूर से बता दूंगा, या फिर भाई आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू वीडियो ले आऊंगा। तो आप लोग के OB33 को लेकर ये छोटी सी न्यूज निकल कर आ रही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, तो होप करता हूँ भाई आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट कर लो ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए कोई भी न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है, आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाते हो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को आप सेट जरूर से कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Yeah.